दोस्तों, ये है कतर, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक। अमेरिका, जापान, चाइना, ये सारे ही देश एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से कतर से बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन कतर इनसे बहुत ज्यादा अमीर है। अगर इस खूबसूरत से देश की आबादी की बात करी जाए तो यहाँ सिर्फ 29 लाख के आसपास लोग रहते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से ज्यादातर लगभग 23% तो भारत के ही रहने वाले हैं, 13% में नेपाल से गए हैं और 11% फिलीपींस से, और 5% बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग कतर में काम करने, पैसा कमाने, रोजगार करने गए हुए हैं। दोस्तों, कतर में पेट्रोल काफी सस्ता है, यूं समझिए कि यहाँ पर पेट्रोल से ज्यादा पानी महंगा है। पूरी दुनिया जानती है दुबई के शेख कितने ज्यादा रईस होते हैं, लेकिन यहाँ कतर में अमीरी के तो अलग ही जलवे हैं। अमीरी के मामले में कतर दुबई से भी 2 गुना आगे है, और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय, जो कि $1,20,000 से भी ज्यादा की है, जो कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय से काफी ज्यादा है। दोस्तों, हर देश की राजधानी वहाँ का दिल होती है, उसी तरह कतर के पूर्वी तट पर बसा दोहा शहर यहाँ की कैपिटल सिटी है। साथ ही इस शहर को सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी दोहा में कतर की आबादी का 60% हिस्सा अपनी जिंदगी बिताता है। कतर के लोगों में पुरुष जुब्बा नाम के कपड़े पहनते हैं, और यहाँ की महिलाएं काले रंग का बुरखा पहनती हैं। इसके अलावा भी कतर में कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो या फिर महिला, कुछ भी पहन सकता है, लेकिन अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, कतर एक धर्म निरपेक्ष देश है, और यहाँ पर रहते हुए किसी ने अगर किसी दूसरे धर्म की आलोचना करी तो उसके लिए सख्त कानून है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 7 सालों तक कानूनी रूप से जेल में डाल दिया जाता है। घूमने के लिहाज से यह देश बहुत ही ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर है। इसके अलावा भी कतर में देखने और घूमने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। दोस्तों, कतर ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए 80 देशों को वीजा फ्री एंट्री करने की योजना बनाई है, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल है। कतर का दोहा डिजर्ट दुनिया भर में फेमस है, टूरिस्ट यहाँ पर स्कम्बलर बाइक का मजा उठाते हैं, डिजर्ट सफारी से लोग रोमांचित हो जाते हैं, और टूरिस्ट ऊंट पर बैठकर शाही मेहमान जैसा महसूस भी करते हैं। इस देश ने 55 सालों तक ब्रिटेन की गुलामी झेली है, और इसके बाद साल 1971 में कतर को आजादी मिली, और इसके बाद कभी भी इस देश ने पीछे पलटकर नहीं देखा और विकास की तरफ बढ़ता गया। तभी तो आज कतर का मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ देखा जाता है। इस देश के लोग पढ़े लिखे होते हैं। अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ पर कतरी रियाल चलता है, जो इंडिया के 23 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, साल 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया था, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इतना छोटा देश होने के बावजूद कतर ने इतने बड़े इवेंट को होस्ट किया। इस आयोजन में कतर ने अरबों रुपए खर्च किए, क्योंकि फुटबॉल पूरी दुनिया में देखा जाता है, और उसका वर्ल्ड कप कतर में होने की वजह से यहाँ पर 2022 में काफी ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ी थी, जिससे कतर को और ज्यादा फायदा हुआ था। यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को शराब पीना और बेचना दोनों मना है। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो ये छोटा सा देश सिर्फ 11,571 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है। इस देश का कॉलिंग कोड +974 है। अगर इसके इतिहास में जाएं तो कतर एक बहुत ही छोटा देश है, जो अरब प्रायद्वीप के एक कोने पर मौजूद है। पुराने जमाने में यहाँ के लोग मछली पकड़ते थे और इधर उधर घूमते थे। जब यहाँ पर इस्लाम आया तो कतर में लोग ज्यादातर हाथ से काम करने लगे। इसके बाद जब यहाँ पर तेल और गैस की खोज हुई तो मानो
कतर की किस्मत पूरी तरह से बदल गई और इसने फिर कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर मिलने वाले बड़े बड़े गैस और तेल के भंडार। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिसोर्स है, जिसे नॉर्थ फील्ड कहते हैं। दोस्तों, कतर में लोगों की जिंदगी काफी लंबी उम्र तक चलती है, क्योंकि यहाँ के लोग किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते और अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देते हैं। इसी वजह से कतर के लोग काफी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। कतर में हर साल कतर फ्लावर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी लगती है। ये त्योहार कतर की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ की संस्कृति को दिखाता है। इसके अलावा कतर ने आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए हैं, जिसमें से एक है द पर्ल आइलैंड। ये आइलैंड खास तौर पर आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के रूप में बनाए गए हैं, और इनका डिजाइन और निर्माण काफी ज्यादा मॉडर्न तकनीक के साथ बनाया गया है। कतर में द कतर नेशनल कॉन्सर्ट हॉल जैसी एक शानदार इमारत भी है, जो न केवल ये बताती है कि ये देश कितना अद्भुत है, बल्कि ये एक म्यूजियम भी है, जिसमें कतर की संस्कृति को संजोकर रखा गया है। इस देश को कहानियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ फेमस हैं, जिसमें से एक है कि कतर के लोग आमतौर पर कहानियों में अपने पूर्वजों के साहस और परंपराओं को शामिल करते हैं। इस कहानी का नाम है दस्ताने की कहानी। इसके अलावा कतर के रेगिस्तानी इलाकों में जिनकी कहानियाँ भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, ये कहानियाँ प्राचीन समय में रेत के ठिकानों और वहाँ पर जादुई शक्तियों के बारे में होती है। कतर की फेमस डिश मलहा है। दरअसल मलहा एक तरह का स्टू है, जो खास तौर पर रमजान और दूसरे अवसरों पर बनाया जाता है। इसे बनाने में मांस, सब्जियां और मसालों का इस्तेमाल होता है। यहाँ का एक और फेमस डिश है, जिसे हरीज भी कहते हैं, जो गेहूं और मांस से बना होता है, और इसे खास तौर पर यहाँ ईद जैसे त्योहार पर बनाते हैं। ये डिश कतर की संस्कृति और भोजन के स्वाद को भी दर्शाती है। कतर का राष्ट्रीय जानवर अरबी ऊंट है, जिसे अंग्रेजी में अरेबियन ऑरिक्स भी कहते हैं। यह ऊंट कतर की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरबी ऊंट एक सुंदर और दुर्लभ प्रजाति है, जो गर्म रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इसके सुंदर सफेद रंग और लंबे सींग इसे ज्यादा खास बनाते हैं। ये जानवर कतर की संस्कृति में अपना अहम स्थान रखता है, और इसकी प्रजाति को बचाने के लिए यहाँ पर कई प्रयास भी किए गए हैं। कतर में अरेबिक भाषा बोली जाती है, और ये यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है, और सरकारी कामकाज, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी में लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। कतर में अमीरी का ये हाल है कि वहाँ के एक नागरिक को एक मेंढक इतना पसंद आया कि उसने उसे गोद ही ले लिया और एक मर्सिडीज बेंज तक तोहफे में दी, और इस कार की कीमत लगभग 3 करोड़ थी। ये बात इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इसे मीडिया में भी जगह दी गई, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई कि भला एक मेंढक को इतना महंगा तोहफा कौन देता है। तो दोस्तों, ये था अमीर कतर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।